हाय फ्रेंड्स, आई एम काजल। आई एम सागर। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मदीने के हरे गुम्बद का, अर्तुगल गाजी जी मतलब अर्तुगल गाजी जी से रिलेशन क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और मैंने वीडियो जब देखा तो मैंने भी सोचा कि इतना पॉपुलर क्यों हुआ है वीडियो। तो इसका यही मेरे ख्याल से सीधा सीधा मतलब अर्तुगल गाजी इनका नाम जिस वीडियो में आया है वो सभी पॉपुलर होती है अपने आप। क्या आप जानते हैं कि जिस गुंबद खजरा को देखने के लिए आज दुनिया के अरबों मुसलमानों की आंखें तरसती रहती हैं, उस गुंबद खजरा की ताबीर किसने करवाई थी? उस गुंबद खजरा को कैसे बनाया गया था, किसकी निगरानी में बनाया गया था और कितने वक्त में बनाया गया था? नाज़रीन गिरामी, इस तमाम टॉपिक पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास ही में घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को हमेशा लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस का ये सिलसिला जारी रखा जा सके। नाज़रीन इग्रामी, लोग ताजमहल की मिसाल देते हैं और कहते हैं कि ताजमहल की जो तामीर हुई, जो उसे बनाया गया, वो यकीनन मोहब्बत की एक मिसाल है। लेकिन आप खिलाफत उस्मानिया के दौर में गुंबद खुजरा की तामीर का वाकया जब पढ़ेंगे तो आपका दिल भी ये कह उठेगा कि यकीनन असली मोहब्बत की कहानी इसे कहते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि जिस अर्तगुल सीरियल को इस वक्त आप बड़े ही दिल से देख रहे हैं, इसी की औलादों ने जो खिलाफत कायम की थी, यानी खिलाफत उस्मानिया, उन्हीं लोगों ने इस हरे गुंबद को बनवाया था। उससे पहले वहाँ पर कोई भी इस तरह का गुंबद मौजूद नहीं था। तुर्कों ने जब मस्जिद नबवी की तामीर करने का इरादा किया तो अपनी अजीम सल्तनत में ये ऐलान करवा दिया कि हमें तामीर करने वाले जो मिस्त्री होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, इनसे रिलेटेड तमाम दुनिया के माहिरीन फ़नकारों की ज़रूरत है। ऐलान होते ही दुनिया के माहिर आर्किटेक्चर वहाँ पर मौजूद होने लगे। लिहाजा यहीं से मोहब्बत और हैरत का एक ऐसा बाब शुरू होता है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। लिहाजा इस्तांबुल से बाहर एक नया शहर आबाद किया गया, जिसमें दुनिया से आने वाले तमाम अपने अपने एरिए के मशहूर आर्किटेक्चर को रखा गया। उस वक्त के जो खिलाफत उस्मानिया के खलीफा थे, जो पूरी दुनिया के हुक्मरान थे, वो ख़ुद उस शहर में दाखिल हुए और उन लोगों ने अलग अलग सबसे सारे आर्किटेक्चर से ये ताकीद की कि वो अपने जहीन बेटे को अपने जैसा बनाएं, ऐसा तैयार करें, उसको ऐसी ट्रेनिंग दें कि वो बिल्कुल अपने जैसा और बेमिसाल कर दें। लिहाजा तमाम माहिरीन ने अपने अपने बच्चों को अपना फ़न सिखाना शुरू कर दिया, और इसी दौर में खिलाफत उस्मानिया ने उन तमाम बच्चों को हाफिज़ कुरान और घुड़सवार और शहसवार बनना सिखाया। लिहाजा जब कुछ ज़माना गुज़रा, जब कुछ दौर गुज़र गया, तो वो तमाम आर्किटेक्चर के जहीन बच्चे अपने बाप की तरह एक ताकतवर और एक ख़तरनाक तामीर के माहिरकार बन गए, और साथ ही साथ सब के सब हाफिज़ कुरान थे। तकरीबन 25 साल के बाद एक ऐसे नौजवानों की जमात तैयार कर ली गई कि जो ना सिर्फ अपने फील्ड के माहिर थे, बल्कि साथ ही साथ हाफिज़ कुरान और बाअमल मुसलमान थे। इनकी तादाद कम से कम 500 से ऊपर बताई जाती है। इसी दौरान तुर्कों ने पत्थरों की नई कानें दरियाफ्त की, जंगलों से लकड़ियाँ कटवाईं, और उसके अलावा शीशे भी पहुँचाए गए, लिहाजा बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया गया। जब ये सारा का सारा सामान मदीना शरीफ पहुँचाया गया तो अदब का ये हाल था कि तमाम सामान को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल यानी मस्जिद नबवी से दूर एक बस्ती में पहुँचाया गया। एक पूरी बस्ती बसाई गई और उसमें इस सामान को पहुँचाया गया ताकि उस सामान के खलल की वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताखी ना हो सके। लिहाजा अदब का ये हाल था कि जब मस्जिद की तामीर हो रही थी, जब गुंबद खजरा की तामीर हो रही थी, तो अगर किसी भी पत्थर या लकड़ी में कोई कमी बेशी हो जाती थी जिसकी वजह से उसे काटना पड़े या उसको तोड़ना पड़े, तो उसके लिए मिस्त्री वहीं पर काम शुरू नहीं करते थे, बल्कि उसको फिर से उस बस्ती में ले जाया जाता था, वहाँ से उसे काटा जाता था या जो उसमें करना होता था वो किया जाता था, और उस लकड़ी और पत्थर को फिर से वापस लाया जाता था। चाहे एक ही पत्थर और लकड़ी को 10 बार दिन में काटने या पीटने या फोड़ने की ज़रूरत पड़े,
तब भी उसको बार बार उसी बस्ती में ले जाया जाता था। मस्जिद नबवी की तामीर करने वाले तमाम माहिरीन को ये हुक्म जारी कर दिया गया था कि वो तामीर करने के दौरान बावजू रहें और हमेशा दुरूद पाक कुरान करीम में मशगूल रहें। रोज़ा रसूल के चारों तरफ कपड़े लगा दिए गए थे ताकि धोखे से भी गर्दोगुबार अंदर दाखिल ना हो सके, लिहाजा सुतून लगा दिए गए थे ताकि मट्टी नीचे ना आ सके। ये काम तकरीबन 15 सालों तक मुसलसल चलता रहा, लेकिन तारीख गवाह है कि इतनी अदब व एहतराम के साथ इससे पहले न ही कोई तामीर की गई है और न ही की जाएगी। यकीनन हम कह सकते हैं कि मुसलमानों के लिए खिलाफत उस्मानिया का खात्मा एक काले दिन से ज़्यादा और कुछ नहीं था। आज के लिए अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों अहबाब और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर। सच में बहुत अच्छा वीडियो था और बहुत इन्फॉर्मेशन थी इसमें मस्जिद नबी की जो गुंबद है उसके बारे में। उसको बनाने के लिए 15 साल लगे, तो मेरे ख्याल से बहुत सोचने वाली बात है कि आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बहुत इजीली बन जाती है क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा बढ़ गई है और ज़्यादा आसानी से हम किसी को भी बुला सकते हैं, लेकिन उस ज़माने में ये आसान नहीं था कि किसी को बुलाना और मजदूरों को। आजकल एक फ़ोन से ही काम चल जाता है, लेकिन वह उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि नबी का इसमें बहुत ध्यान रखा गया, उनको परेशानी ना हो, उनको शोर शराबा ना हो, उनको मतलब उनके कान में शोर शराबा ना पड़े। इसकी वजह से अगर कुछ भी अगर वहाँ पे मतलब एडिटिंग करनी होती थी मतलब उस गुंबद में, तो उस अगर एक मतलब लकड़ी की मतलब लकड़ी के लट्ठे में भी अगर एडिट करना होता, मतलब उसको काट काट के उसको छोटा करना होता, तो भी वहाँ पे नहीं करते थे। पूरी मतलब दूर जहाँ पे बस्ती थी वहाँ पे जाके फिर से उसको काट के फिर से वहाँ पे लेके उसको वहाँ पे लगाया जाता था। तो मेरे ख्याल से बहुत उनकी उनका ध्यान रखा गया नबी का, और उनके आजू बाजू के घर में मतलब आजू घर के आजू बाजू में चादर लगाई गई थी क्योंकि वहाँ पे धूल ना जमे और मिट्टी भी ज़्यादा गिरे ना और कोई आए भी ना, इसलिए पर्दे भी लगाए गए थे। तो मतलब जो उस वक्त के चोर मक्कार होते हैं वो और बहुत सारे लोग जो धोखे मतलब जो धोखे से नहीं, तब तो उनको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी क्योंकि मेरे ख्याल से नबी तब रसूल बन गए थे। लेकिन वीडियो सच में बहुत इंफॉर्मेटिव था। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।